थोड़ा रफ इलाका है, मगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ डीआईजी वर्मा साहब हैं। थैंक्स। तो आप लोग चले, ट्रेन का टाइम हो गया और मुझे एग्जाम भी करना है। तुम सामान रखो। बेटा कैसा है तू? कल फोन क्यों नहीं किया? कितनी परेशान थी अनु। ये ले बात कर। मुझे नहीं बात करनी। क्या है बोलो। अरे बाबा फुर्सत नहीं मिली, कल ऑफिस का काम समेटते समेटते 12 बज गए। हाँ हाँ सब मालूम है, फिर सिगरेट पी रहे हो ना? तुम औरतों के नाक में टेलीस्कोप है, सिगरेट को तो मैं आजकल हाथ भी नहीं लगाता। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा बताओ क्यों फोन किया? मेरी डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग हो गई। सच? कहाँ? तेजपुर। तेजपुर? पागल हो गए हो? उस जंगली जिले में मैं नहीं जाने वाली। ठीक है फिर तुम माँ के पास रहो और मैं सारी जिंदगी गेस्ट हाउस की चपातियाँ खाता हूँ। मैं सब डिस्ट्रिक्ट के लिए अकेडमी का गोल्ड मेडल ही नहीं और कुछ भी चाहिए होता है। तेजपुर मुझे इसलिए मिला है क्योंकि वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। नेचुरली इतनी वायलेंट जगह पे कौन जाना चाहेगा? अब आज कौन सी जगह वायलेंट नहीं अनु, तुम बेकार चिंता मत करो और जल्दी आने का प्रोग्राम बनाओ। इम्पॉसिबल अमित, तुम जानते हो मुझे खून खराबे से कितना डर लगता है, कितने खिलाफ थे मैं तुम्हारे आईपीएस के, और अब ये तेजपुर। अनु तुम जो समझ रही हो वैसा नहीं है, इट्स जस्ट जॉब यार, और कायदे कानून से काम करने वाले को कोई दिक्कत नहीं होती। और तुम्हें पता है कि मुझे भी वायलेंस पसंद नहीं है अनु। सुनो अभी मना किया ना तो फिर पता नहीं कब डिस्ट्रिक्ट मिले, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वहां बंगला है, बड़ा गार्डन है, यू गोना लव इट। कब जा रहे हो? अभी 5 मिनट में गाड़ी निकल रही है, सुबह 7 बजे डिविजनल हेडक्वार्टर मोतीपुर पहुंचूंगा, वहां डीआईजी अनुभव वर्मा से चार्ज लेकर सीधा तेजपुर। तुम अगले हफ्ते की रिजर्वेशन करा लो। ठीक है। ठीक ठीक क्या? कम ऑन चीयर अप अनु, ठीक से बाय बोलो वरना सारी रात यहाँ बैठा सिगरेट पीता रहूंगा और ट्रेन भी छोड़ दूंगा। What? पी रहे थे ना तुम सिगरेट? जानती थी मैं, आने तो मुझे वहां, ऐसा मजा चिखाऊंगी कि बस। ओके बाय 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 बाय। एक आपके लिए भी बनाए सर। नो थैंक यू, बस एक छोटा वाला। थैंक यू। जहाँ तक हमारा अंदाज है डिस्ट्रिक्ट में पहला पोस्टिंग है आपका। जी आप लोग बिजनेस करते हैं? जी आप हैं नंद कुमार और हम सत्यशील, चीनी मिला हम लोग का। वैसे प्राइवेट में एक बात पूछें आपसे, ये आजकल जिला एसपी का क्या रेट चल रहा है? जी मैं समझा नहीं। भाई तेजपुर तो कमाई वाला जिला है, एक से एक माफिया है वहाँ पे, तगड़ा माल लिया होगा मंत्री ने। माफ कीजिए आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप बिना एसपी साहब, अरे पिछले साल ही तो वो लखीसराय एसपी है ना, बी प्रसाद, बी प्रसाद, उनका ट्रांसफर हम ही लोग फाइनेंस किए थे। अब क्या है ना कि हम लोगों का फैक्ट्री है वहाँ पे तो लेबर प्रॉब्लम बहुत रहता है। अरे उस टाइम लोकल एमएलए से लेकर होम मिनिस्टर द्वारका राय तक पूरा 50 लाख का खर्चा बैठा था। हाँ जी मुझे किसी फाइनेंस की जरूरत नहीं पड़ी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो अमित सर, आओ बैठो, कम। थैंक यू सर। तेजपुर हमारे मोतीपुर डिवीजन के 6 जिलों में से सबसे बड़ा है, थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। पिछले एसपी सीपी गुप्ता के साथ वहां बड़ा बुरा हुआ, नर्वस टाइप आदमी था, नया आईपीएस, भिड़ गया वहां के माफिया से, इज्जत भी गई और जिला भी। मगर तुम चिंता मत करो, वहां का डीएसपी भूरेलाल मेरा आदमी है, वेरी एफिशिएंट, सबको मिलाकर चलता है। तुम बस रिलैक्स करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे फोन करो, मैं यहीं से सेटल कर दूंगा। सर तुम्हें पूरा फायदा मिलेगा मेरे अनुभव का, 70 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, 70 इयर्स। जी मेरे फादर अंग्रेजों के पुलिस में भर्ती हुए हेड कांस्टेबल, 40 वर्षों में डीएसपी होकर रिटायर हुए, मैं डीएसपी में सीधा रिक्रूट हुआ 30 साल पहले, एक एक सीढ़ी चढ़कर आज डीआईजी बना हूं।
नीचे से ऊपर तक सभी के टच में रहता हूँ। तुम बड़े लकी हो, मेरे जैसा अफसर तुम्हारा डीआईजी है। सर, क्या हुआ साहब? लगता है क्यूटोन खराब हो गया। देखो, लगता है फ्यूल पंप खराब हो गया है सर। यहाँ कोई गैराज वगैरह है पास में? सर, शिकारपुर थाना यही पास में है, वहां करवा लेंगे। वहां तक स्लो में गाड़ी पहुंच जाएगा सर। ठीक है। शिकारपुर थाना आ गया सर। यही शिकारपुर थाना है? जी सर, बहुत बड़ा एरिया है। भोलापुर से कोसी घाट तक यही एक सिंगल थाना है। ठीक है, तुम गाड़ी का काम जल्दी करो। जी सर। ए, ये तो एसपी साहब का गाड़ी लगता है। सर, थाना इंचार्ज कहाँ है? सर वो, जी सर, सर सर वो दरोगा जी अंदर मालिश करवा रहे हैं, उनकी पीठ में थोड़ा सा दर्द है सर। वो क्या है कि सर कल पेट्रोलिंग पर गए थे ना, तो नदी की साइड का रोड बहुत खराब है, तो वो मोटरसाइकिल पर सर वो बड़ा साहेब जी आए हैं। सीधे रेसाई बुढ़ा चौधरी, स्टेशन इंचार्ज शिकारपुर सर। आप इस तरह यहाँ पड़े, मान लीजिए हमारी जगह कोई डाकू होता तो? साहब, डाकू को यहाँ पुलिस स्टेशन में कहाँ मिलेगा सर? क्यों, आपके हथियार वगैरह ले जा सकते हैं? साहब, बंदूक राइफल तो उन लोगों के पास अपना ही एक से एक ऑटोमेटिक है, अपना 303 तो वैसे जाम हो जाता है सर। ऑफिस में आइए। यस सर। अरे दौड़ दे जरा बाजार पर, साहब के लिए फर्स्ट क्लास चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए। जी जल्दी कीजिए। जी हाँ, दौड़िए। यह आपका FIR रजिस्टर है? 3 महीने से स्टेशनरी खत्म हो गया सर, हेडक्वार्टर पर रिक्वायरमेंट दे दिए सर। लेकिन इसमें तो पिछले महीने की 12 तारीख के बाद से कुछ भी नहीं लिखा। मगर सर, हम सब नोट करके रखे हैं सर, बस फेर नहीं किए सर। आप FIR इसमें दर्ज करते हैं? सर इधर छोटा मोटा ही कुछ होता है सर, वैसे सब एकदम यहाँ शांति है सर। आप जानते क्या इलाके के बारे में? कभी बार भी जाते हैं आप? सर खूब टूरिंग करते थे सर, बस सर इधर हमारा जीप डाउन हो गया सर, और आज महीना भर से डीजल फंड में भी पैसा नहीं है सर। तो फिर काम कैसे चलता है यहाँ पर? सर पप्पू ठेकेदार का गाड़ी मंगा लेते हैं, और अगर इमरजेंसी होता है तो केजरीवाल पेट्रोल पंप का गाड़ी आ जाता है सर। हम सबसे रिलेशन बना के रखे हैं सर, इमरजेंसी में गाड़ी घोड़ा किसी चीज़ का तकलीफ नहीं होता सर। सर ब्रेकफास्ट लगा दिया, चला जाए सर। सर हो गया? नहीं सर, 2-3 घंटा और लगेगा। पप्पू ठेकेदार का गुड वार्निंग लिया जाए सर। आप तो कह रहे थे डीजल पेट्रोल के लिए भी पैसे नहीं, फिर इतना शाही नाश्ता कहाँ से है? जी वो शिकारपुर को इतना भी बैकवर्ड मत समझिए सर। जी हाँ सर। और सर हमारे रहते हुए यहाँ आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, आपको यहाँ कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये बस कहाँ जा रही है? तेजपुर डिपो में जाएगा सर। इसको रुकवाइए। जी जाइए। यस सर। ए! तुम लोग गाड़ी बनवा के आओ सर। हमारा गाड़ी ले लिया जाए सर। एक पीस लिया जाए सर, एकदम फ्रेश है, खास आप ही के लिए बनवाए हैं सर। सर नाइट हाल्ट होता